आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा 500 वर्ष बाद अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है और उनके साथ साथ पूरे भारतवर्ष ने की है। इसमें यहाँ आज दीपावली जैसा माहौल हो रहा है, सारा बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ जो है आज हम प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन समारोह कर रहे हैं। आज जैसा कि हमारे अम्बाजी चित्रकूट मंदिर है, चित्रकूट मंदिर में जो है पूरा कम से कम 1000 से 1500 के आसपास जो है संख्याएं रही है। सभी जो है बहुत ही अंदर से मन से बहुत ही खुश, यानी कि सभी ने यहाँ आकर हिस्सा लिया। और यहाँ इस मंदिर में जो है पिछले 1.5 से 2 साल पहले से श्री हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ शुरू हुआ था, तो इसमें कम से कम शुरू में यहाँ 10 से 12 ही आदमियों ने शुरू किया था। और आज की डेट में जो है आज तक जो है पिछले अभी मंगल में भी 400 कुछ संख्याएं रही, तो उसी का एक भगवान श्री राम जी का ही यहाँ आशीर्वाद पिछले 1.5-2 साल से हमें पूरा बढ़िया तरीके से यहाँ चित्रकूट मंदिर में मिल रहा है। और आज भगवान श्री राम जी की जो है प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हम सभी बहुत ही खुश हैं। अभी हम आज शाम को जैसे दीपावली वाला माहौल हमारे चित्रकूट कॉलोनी में भी सभी यहाँ सभी ने अपने घर सजाए हुए हैं, शाम को दीपक जलाए जाएंगे और दीपावली मनाई जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज में शुभ दिन आया है, बहुत अच्छा। इतना जय श्री राम के नारे लगाते हुए जो हमारे दिल के अंदर उत्साह हो रहा है, जैसा हो रहा है सारा, जैसा इन्होंने अभी बताया था ब्रिजेश जी ने, जो यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ शुरू किया था इनके सहयोग से, इनकी पूरी मतलब लगन से, और इनने जैसा यहाँ पूरा वो पूरा अपना सहयोग दे करके, अपना टाइम निकाल करके, इतनी व्यस्तता से अपना सारा कुछ छोड़ करके पूरे लगे रहते हैं, इसमें हमें इतनी खुशी होती है, हम गदगद हो जाते हैं। आज प्रभु श्री राम के इस पावन अवसर पर इनकी प्राण प्रतिष्ठा के अवध में होने नहीं, ये हमारे यहीं पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही जैसे ऐसे महसूस हो रहा है, बहुत ही अच्छा सुंदर। और इसी शब्दों के साथ में बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, आज तारीख भी पता लग गई है। सभी देशवासियों को इस महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और पूरे विश्व पूरा विश्व आज राममय हो गया है, और हम सभी ये उत्सव मनाएं धूमधाम से और अपने जीवन में प्रभु श्री राम के जो उद्देश्य हैं उनको उतारें। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, सिया राम सिया राम सिया राम हरे। अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आनंद आ रहा है, जो हमारी वर्षों की तपस्या थी वो पूरी हुई और हम सब बहुत आनंदित हैं। आज हमारे प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो गए। जय श्री राम। सर कैसा लग रहा है आज दिन? हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें अपने इस जन्म के अंदर ये भाग्य प्राप्त हुआ है, जो हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें जो है इस जन्म के अंदर पहली बार हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो 500 सालों का संघर्ष की हम बात करते थे और कहते थे कि डेट आएगी बताएंगे मंदिर बनाएंगे, तो आखिर वो दिन आ गया, तो लगता था कभी आपने सोचा था कि वो दिन डेट बताई जाएगी? किसी को हमें उम्मीद नहीं थी, हम तो अब बहुत खुश इसी बात से हैं कि वो जो हमारे को बार बार कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे डेट नहीं बताएंगे, तो हमें आज वो दिन दिखाई दिया है कि डेट भी बताई है, समय भी आया है, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज आप इस दिन के साक्षी बने हैं, जय श्री राम। आज आप इस दिन के साक्षी बने हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है अपने आप को हिंदू समझने में। आज तक सिर्फ यही सुनते आए थे कि बाबर ने राज करा, बाबरी मस्जिद है। आज फर्स्ट टाइम सुनने में आया हमें कि हाँ, जहाँ पे इतने संघर्ष 500 साल के संघर्ष के बाद बाबरी मस्जिद हटके वहाँ पे अयोध्या मंदिर बना है, बहुत बहुत खुशी फील हो रही है।
जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है आज का प्रोग्राम देख के, बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत आनंद आ रहे हैं। जय श्री राम के।